तो यार हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसक्रीम एट के बिग अपडेट के एंडिंग के बारे में। कि हाँ गाइस, हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइसक्रीम एट के अपडेट का एंडिंग कैसा होने वाला है, उसमें क्या होने वाला है। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में इस थ्योरी के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चलो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों को पता है कि आइसक्रीम एट लास्ट चैप्टर होने वाला है, आइसक्रीम का अपडेट एक लास्ट चैप्टर होने वाला है, उसके बाद कोई भी चैप्टर नहीं आने वाला है आइसक्रीम का। तो इससे हमें पक्का हो जाता है, श्योर हो जाता है कि ये डी एंड होने वाला है रॉड का और इसके आगे कोई चैप्टर नहीं होगा। तो वो डी एंड कैसे होगा रॉड का, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो गाइस, कुछ महीने पहले मैंने दो वीडियोस बनाई थी, जिस एक वीडियो में मैंने बोला था कि रॉड पुलिस से अरेस्ट होने वाला है और दूसरे में कहा था कि हम लोग फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करने वाले, जिसमें मैंने एक तीसरा वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि इन दोनों में से क्या होने वाला है, जिसमें मैंने बोला था कि रॉड अरेस्ट ज़्यादा चांस होने वाला है, रॉड का अरेस्ट होने वाला है। और गाइस, तो ये एंडिंग जो है इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अरेस्ट होने के बाद जब हम लोग अपने घर पहुंचते हैं तो जे के पेरेंट्स, हमने देखा था आइसक्रीम एट के एंडिंग में कि जे के पेरेंट्स पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं। जब हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोग पुलिस देखते हैं कि पुलिस खड़ी है और पुलिस हमसे सवाल पूछती है कि हम लोग कहाँ से आ रहे, क्या करके आ रहे। तो हम लोग सबसे सच बता देते हैं कि ये एक रॉड नाम का विलन था, उसने ये सब किया है, वो किडनैप करता था बच्चों को और स्क्वीज कर देता था उन्हें। तो हम लोग रॉड को पुलिस को फैक्ट्री में लेके चलते हैं रॉड के, और फिर वो रॉड को पकड़ लेते हैं और फिर वो अपने पुलिस स्टेशन में ले जाके उसे बहुत सज़ा देते हैं। पुलिस स्टेशन भी शायद होने वाला है, जैसे कि मैंने मैप वाले वीडियो में कहा था, और तो उसे सज़ा देते हैं और शायद कड़ी सज़ा दे, क्योंकि उसमें रॉड ने बहुत बुरा किया था बच्चों के साथ, बहुत बुरा जुल्म किया था। तो हो सकता है कि रॉड को स्क्वीज़ का सज़ा मिल जाए। जी हाँ गाइज, एक्सट्रैक्शन रूम हमने देखा था कि खुल गया था, और गाइज तो शायद रॉड को ही वो स्क्वीज़ कर दे पुलिस वाले और रॉड का डी एंड हो जाए। और गाइज, आपके मन में सवाल आया होगा कि हम लोग क्यों नहीं स्क्वीज़ कर सकते। तो इसका जवाब यह है कि लॉ को जो कानून है हम लोग अपने हाथों में नहीं ले सकते, वो पुलिस ही कर सकती है अपना काम। और गाइज, ये बस एक थ्योरी है, ये सच नहीं है, ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। और जो ऑफिशियल है वो सिर्फ केप्लेडियंस को पता है जो आने वाले हैं गेम में। तो गाइज, यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।